बसंती, ए बसंती, कहाँ मर गई हो? कान में रुई ठूस के बैठी हो कहाँ? हाँ, कब से आवाज दे रहे हैं तुमको? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है? ओ भाभी जी, हम माँ जी के साथ सामान और सब्जी का नाम लिखवा रहे थे। सुबह से यही कर रही हो? हाँ, इससे पहले कहाँ थी? सुबह से हम पायल भाभी जी का कमरा साफ कर रहे थे। वाह, बहुत कैची जैसा जवान चलने लगा है, है? भूलना नहीं, ये घर का एक एक नींव हमारे भाई के पैसा से है और तुम उन नई की बहू को पूर्वाधिकार दोगी, है? कि हम एकदम नहीं झेलेंगे, एकदम नहीं बर्दाश्त करेंगे। भाभी जी, कुछ काम है तो बता दीजिए, हम अभी कर देते हैं। पर हुआ का है? हुआ नहीं है, होने वाला है। अभी बताते हैं कहाँ होने वाला है। क्या ड्रामा हो रहा है ये? ए नटरू, आवाज नीचे। अब यहाँ काम नहीं करेगी, इसका जल्दी से हिसाब किताब करो और भगाओ इसको यहाँ से। अरे किया का है इसने? अरे अंधा हो काजी, हैं? दिखाई नहीं दे रहा है? ये हमारा सब काम टाल रही है पायल के कारण। ये सही नहीं है बहू, ये तो बेचारी दिन भर। ए भक्तिन बिल्ली, चुप, ज्यादा बोलो नहीं, नहीं तो तुमको भी ना धक्का मार के निकाल देंगे घर से बाहर। अरे ए गुलगन, अपना सीमा पार ना करो तुम, आया बात समझ में? ए कलुठा, तुम अपने सीमा में रहो। भाभी जी, हमको माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। माफी नहीं, तुमको तो जूता देंगे। अरे बस बहू, अब रहने भी दो, काहे बिना मतलब बात को इतना बढ़ा रही हो तुम, थोड़ा शांति से काम लो। बसंती, आज से ना तुम रोज पहले गुलकंद बहू के कमरे का सफाई करोगी, फिर तुम कोई भी काम करोगी, समझ गई कि नहीं? जी जी माँ जी। अब यहाँ खड़ी होके काम कर रही हो? हाँ, अभी के अभी जाके हमारा कमरा का साफ सफाई करो, जाओ। और सुनो, आज हम अपने भैया के घर जा रहे हैं दोनों बच्चा लोग के साथ। आज से दोनों का स्कूल में छुट्टी हो रहा है, तो हम स्कूल ही से लेते हुए उन लोगों को चले जाएंगे। तब तक हमारा कमरा का साफ सफाई बंद मत करना। अब चलो जाओ। Thank you.